जय श्री गणेश, जय करवा चौथ माता की। सर दोस्तों, करवा चौथ के लिए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप उस स्थान को कैसे सुसज्जित करेंगे जहाँ पर आप माँ करवा चौथ की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए और वहाँ पर एक पटरा रखिए। पट्टे के ऊपर आप उसको लाल कपड़े से सुसज्जित कीजिए, फूलों से उसको अच्छे से सुसज्जित कीजिए, कलावा रखिए उसके ऊपर, और सबसे पहले श्री गणेश भगवान की वहाँ पर मूर्ति रखिए। इसके बाद में जो करवा चौथ का कैलेंडर आता है, क्योंकि आजकल हाथ से कोई निकालता नहीं है, पहले हाथ से माता बहनें निकाला करती थी, तो आजकल तो कैलेंडर आता है, आप उस कैलेंडर को चिपका दीजिए। और आपने एक जो आप करवा लेकर आए हैं, सबसे पहले चावल को रखिए, चावल से अच्छे से रखेंगे, उसके ऊपर आप करवा रखेंगे, करवे में जल होगा, और उसके ऊपर एक चीनी का करवा आता है वो उसके ऊपर रखेंगे, और उसके ऊपर एक ढकने का जो आता है, ढक्कन आता है उसको रखिए, उसके अंदर चीनी बतासे जो भी आपको मिठाइयाँ रखनी है, चीनी रखने है, बतासे रखने, जो भी रखने आप वो रख लेंगे। इसके बाद में दिया जो जो भी करनी वो करेंगे, और उसको सतिया काढ़ेंगे। सतिया ज़रूरी होता है काढ़ना, क्योंकि सतिया से जो हमारी पूजा प्रारंभ होती है। सतिया काढ़ेंगे हम रोली से, और सतिया काढ़ने के बाद में जब हम कहानी सुनते हैं, तो कहानी सुनने से पहले का मैं आपको बता रही हूँ। एक तुलसी का पौधा लीजिए, तुलसी के पौधे को वहाँ पर रख लीजिए, तुलसी के पौधे को भी आप टिक्का कीजिए और कलावा बांध दीजिए, माता को भी कलावा चढ़ाइए, फूलमाला चढ़ाइए, जल के छींटे दीजिए, और एक जल का लोटा ले लीजिए, जल के लोटे में थोड़े फूल वगैरह डाल लीजिए उसको, और उसके बाद में ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो इस दिन का जो व्रत है वो पटरे पे आपने सुसज्जित कर लिया है, लोटा भरकर जल रख ले। फिर जो बायना काढ़ने के लिए खांड की मिट्टी का जो करवा आता है, उसमें गेहूं भर ले आप, और ढक्कन में चीनी भर ले, जो भी मैंने आपको बताए हैं, उस पर एक कुछ रुपये रख दिए, रोली, चावल, गुड़, या आप कोई मिठाई लेकर आई हैं, गणेश जी की पूजन करेंगे। इससे पहले करवे पर, रोली पर सतिया काढ़ने के लिए मैंने बताया सतिया काढ़े, और 13 बिंदी लगाइए, 13 गेहूँ के दाने लेकर हाथ में आपको कहानी सुननी है। ये सब धूप बत्ती आप लगा लीजिए, कुछ जो भी आप फल लेते हैं, सिंगाड़ा लेते हैं, केले लेते हैं, और सेब लेते हैं, जो भी आप फ्रूट लेकर आए हैं, थाली को अच्छे से सजा लिए, थाली में सतिया काढ़िए, और उसके अंदर में आप जो भी फल फ्रूट रखना है, जो मिठाइयाँ आप लेकर आए हैं वो आप रख लीजिए। उसके बाद में हम कहानी सुनेंगे। और अगर आपकी सास, आजकल क्या होता है हम अलग रह रहे होते हैं, तो आपकी जो सास है, ननद, अगर कहीं अलग रहते हैं, तो आप उनका बायना अपने माथे से लगाएंगे, और माथे से लगाने के बाद उनको याद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे कि आपका बायना वो स्वीकार करे, और वो बायना आप बाद में अपने सास को, ननद को भेज सकते हैं। अगर सास साथ में ही रहती हैं, तो आप पूजा पाठ करने के बाद में जो बायना आपने निकाला, उस बायने को उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें, और उसके बाद उनको बायना दें। चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, हमारा जो दरबार है उसे सज्जित हो गया है। अब हम बैठ जाएंगे, एक आसन पर बैठे, नीचे कभी ना बैठे, आसन बिछाएं, आसन पर बैठे, और जो 13 गेहूं के दाने, अगर गेहूं के दाने नहीं है तो आप चावल के दाने ले सकते हैं हाथ में, और चावल के दाने लेकर बैठ जाइए, राइट हैंड में आप दाने लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामना देखकर मना कर दिया। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ, और वह कटोरी लेकर आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। तब बुढ़िया बोली, लेकर आती हूँ, वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। जब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया, वे दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी, तो खीर का एक छींटा ज़मीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी को भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी के बुलाने गई, तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया, जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा ज़मीन पर पड़ गया था, मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब उसका मैं क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा कर पी कर सबको बांट देना, और बच्चे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो।
बुढ़िया खीर लेने गई तो उसे थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया माँ को दी, पैसे सबको दें, सबको प्रदान करें। बोलो गणेश भगवान की जय। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई चांद नहीं निकला है, उसके निकलने के बाद अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जिम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु वे सब इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा कर रहे हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार उसका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य के पश्चात धन संपत्ति से युक्त किया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सभी इसी प्रकार सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते हुए वह वहां उसको एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगरमच्छ को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह अपने पतिव्रता धर्म के बल से यमलोक में पहुँच कर यमराज जी से बोली, हे भगवान मेरे पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, इस अपराध में आप अपने बल से मगरमच्छ को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अनंतर उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगरमच्छ को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। श्री गणेश भगवान ने की जय। कथा तीसरी। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वे बहुत गरीब थे। वे अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजन किया करती थी। गणेश जी की साक्षात सम्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता है तो कैसे और क्या मांगूँ। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला, धन मांग ले, और बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों
क्यों मांगे धन और नाटी, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए, कुछ ऐसा मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, है गणेश जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया है, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना और सबको देना, जो कथा सुने उसको भी देना, जो कथा सुनाए उसको भी देना। बोले श्री गणेश भगवान ने की जय। बोले श्री गणेश भगवान की जय। पूजा करने के बाद में, जो कथा सुनने के बाद में, जो आपके हाथ में जो चावल या फिर जो भी आपने चावल और गेहूं के दाने लिए हैं वो आप अपने पल्लू में बांधकर रख लीजिए और थोड़ा सा भोग लीजिए। जो भी आपने भोग प्रसाद रखा हुआ है सब में से थोड़ा थोड़ा भोग लीजिए और सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाकर, और सूर्यदेव को जब आप अर्घ चढ़ाएंगे तो चांदी की अंगूठी सबके पास होती है, तो चांदी की अंगूठी हाथ में ले लें और चांदी की अंगूठी इसको उसमें हाथ में पकड़ के और सूर्यदेव को आप जल चढ़ाएंगे, उससे आपका सूर्य और चंद्र दोनों मतलब उज्ज्वल भविष्य के लिए होता है। चांदी की अंगूठी के साथ में अर्घ देना चाहिए सूर्यदेव को। तो ये तो हो गया आपकी शाम की। अब शाम की पूजा में आपके घर में जो भी बनता है सबका अपना अपना अलग है। कोई मीठा चावल बनाता है, मीठे चावल का भोग लगाता है, कोई हलवा पूरी बनाता है, कोई बाहर से पकवान लेकर आता है, आजकल बना बनाया भी थाली पूरी मिलती है वो भी ला सकते हैं। और आपने चंद्रमा को अर्घ देना है उस प्रसाद से, और सासू माँ का जो भी आपने बायना निकाला, जो सिंगार आपने लिया था उनके लिए, सिंगार और बायना जरूरी होता है ननद को सास को देने के लिए। तो शाम के टाइम भी आप उनके पैर छुएं और वो बायना दें, अगर आप दूर रहती हैं तो आप उसको उनका नाम लेकर उनको प्रणाम करके आप रख सकते हैं और जाकर उनको वो दे दें। बोले श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ माता की जय। राधे राधे। श्री गणेश भगवान की जय हो। राधे राधे।